अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर अराजी डेवलपमेंट फैसल टाउन, ये प्रोजेक्ट के मुतालिक जो गाजियानी 2 हमने स्टार्ट ली है उसके मुतालिक कुछ थोड़ी सी ब्रीफिंग देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसके एक्सकवेशन और फिर उसके बाद लीन और अंडरग्राउंड वाटर टैंक और साथ ही एक कैचपिट बनाया जिससे पानी हम ड्रेन आउट करेंगे जो लोअर ग्राउंड से हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे अर्थिंग का एक प्रॉपर सिस्टम किया हुआ है, जो रिज़ल्ट हमें मौसूल हुआ है वो है 0.002। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये इस चीज़ को कोई भी फोकस नहीं करता, लेकिन दो चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे कैंसर हम कहते हैं, तो वो कैंसर दो चीज़ें होती हैं, एक इलेक्ट्रिक वर्क और दूसरा सैनिटरी यानी प्लम्बिंग वर्क, तो ये बिल्डिंग को खा जाती हैं। तो लिहाजा हमने दोनों का ख़ास तौर पे हमारे CEO साहब की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कि हमारा चीज़ अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग एथिक और उसूल के मुताबिक तामीर की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये सिस्टम किसी ने नहीं किया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर अर्थिंग और उसकी नेटवर्किंग ये सारी कुछ की हुई है। आज जो है हमारा नीचे राफ्ट की कंक्रीट हो रही है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अकॉर्डिंगली एज़ पर डिज़ाइन और ड्राइंग जो हमने कम्प्लीट किया है। लिहाजा हमारा प्रोजेक्ट जो है ये हम कोशिश करेंगे कि 5 से 6 महीने में इसको हम तकमील की तरफ ले जाएं, कम से कम इसका स्ट्रक्चर वर्क जो है वो 5-6 महीने में हम अचीव कर सकें। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, आज 15-20 दिन हो गए हमने स्टार्ट ली हुई है, आज हम राफ्ट कर रहे हैं और कल से हमारी कॉलम्स और फर्दर स्ट्रक्चर पे काम शुरू हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ और काम हमारा जो है ना एक्सटेंडेड के मुताबिक हो रहा है, और मेरी खुशी है कि हमारी कंपनी दिन दुगनी रात चुगनी हमारी कंपनी बढ़ चढ़ कर ऊपर की तरफ उठे और ये आगे बढ़े और हमारा काम हमारा नाम जो है वो रोशन हो। अराजी डेवलपमेंट इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ऐसे ही काम करवाएगी। इससे पहले हमारा एक्सेस मॉल का एक प्रोजेक्ट मैंने स्ट्रक्चर वाइज कंप्लीट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक रिकॉर्ड है, और इस वक्त इस्लामाबाद में उसके सानी कोई प्रोजेक्ट नहीं है और ये उससे बढ़ के होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशी महसूस करता हूँ कि मेरी निगरानी मेरी टीम और मेरे सारे रफका वो सारे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम वो इसमें कोई ऐसी चीज़ हम नहीं कर रहे हैं जो हम कोई इजाफी जो इंजीनियरिंग के उसूल के मुताबिक है उस पर हम फोकस किए हुए हैं ताकि वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए और एक शाहकार बन सके। वस्सलाम।